मुंबई के कुर्ला में एक बड़ा हादसा हुआ है। बेस्ट की इलेक्ट्रिक बस का ब्रेक फेल हो गया और इसके बाद बेकाबू बस ने करीब 200 मीटर के दायरे में आए राहगीरों को से लेकर गाड़ियों तक को जबरदस्त टक्कर मार दी। ये हादसा इतना भयावह था कि बस की चपेट में आए 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 26 लोग घायल हुए हैं और इस हादसे में जिन 5 की मौत हुई है उनकी पहचान भी कर ली गई है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में शिवम कश्यप जो कि 18 साल का था, कनीज फातिमा 55 साल की, अफील शाह 19 साल का और अनम शेख 20 साल के रूप में उनकी पहचान हुई है। पांचवें मृतक की पहचान अभी सामने आना बाकी है। बीती रात बस ड्राइवर संजय मोरे को मेडिकल के लिए मुंबई के जेजे अस्पताल ले जाया गया था। पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान आईपीएस अधिकारी और मुंबई पुलिस के एलएनओ सत्यनारायण चौधरी खुद भी पुलिस स्टेशन में मौजूद रहे। पुलिस ने जानकारी दी कि यह हादसा बीएमसी के एल वार्ड कार्यालय के पास व्हाइट हाउस बिल्डिंग के बाहर रात करीब 9:30 बजे हुआ है। सड़क हादसे का शिकार हुए करीब 26 लोग घायल हैं। कुछ की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। घायलों का इलाज सायन और कुर्ला के अस्पताल में जारी है। घायलों में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें बेकाबू बस कार को रौंदते हुए दिखाई दी। बेस्ट की बेकाबू बस की चपेट में कई गाड़ियां आईं और ये हादसा कुर्ला पश्चिम रेलवे स्टेशन रोड पर अंबेडकर नगर में उस वक्त हुआ जब बेस्ट की रूट नंबर 332 की बस कुर्ला स्टेशन से अंधेरी की ओर जा रही थी। पुलिस ने हादसे वाली बस के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। अब बस के मेंटेनेंस की भी जाँच जारी है और मुंबई के कुर्ला में बेस्ट बस के एक्सीडेंट की जो रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है वो रूह कपा रही है। आपको बता दें कि बस का जो ब्रेक था वो जैसे ही फेल हुआ उसके बाद ड्राइवर पूरी तरीके से बस पे अपना नियंत्रण खो चुका था। ये कहा जा रहा है कि ब्रेक की जगह उसने पैर जो है वो एक्सेलरेटर पे रख दी और बस ने करीब 1 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियों को वहाँ पर टक्कर मारी। लगातार 200 मीटर के दायरे में जो भी सामने आया बस ने उसे उड़ा दिया। चाहे वो स्कूटी, ऑटो, कार जो भी था, सबके सब हादसे में चकनाचूर हो गए। कई गाड़ियों को रौंदने के बाद ये बस एक बिल्डिंग के आरसीसी कॉलम से जाकर टकराई और वहां जाकर रुक गई। बस की टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि बिल्डिंग की बाउंड्री वॉल भी गिर गई। बेस्ट बस की चपेट में आने से कुछ लोग घायल होकर सड़क पर गिर गए और कुछ गाड़ियों में घायल होकर पड़े रहे। इस हादसे के बाद क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं, वहां के स्थानीय क्या कह रहे हैं, सुनिए। कुर्ला में बेस्ट बस को अनकंट्रोल्ड हो गई। ड्राइवर ने कुछ व्हीकल्स को कुचल दिया, उसमें 25 लोग जख्मी है, 4 लोगों की डेथ हुई है। सभी इंजर्ड उनके ऊपर ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में शुरू है। जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ वो जगह से वो बस को बीएसटीवी प्रशासन ने उसको मूव किया है। उसका आरटीओ इंस्पेक्शन होगा। उसके इस घटना में गुनाह दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू है। बीएसटी बस का ड्राइवर वो पुलिस ने हिरासत में लिया है, उसके पास इंक्वायरी शुरू है। सर, कुछ कारण सामने आया कि इस वजह से यह घटना हुई है? ड्राइवर ने कुछ ड्रिंक वगैरह किया था, ऐसी कुछ जानकारी है क्या? अभी ऐसा कोई भी कारण क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू है। यहाँ पे एक बस कुर्ला स्टेशन से निकली तो वो ब्रेक फेल होने से उसका ड्राइवर का बस का ऊपर का कंट्रोल निकल गया और उसके वजह से ड्राइवर डर गया। उसको ब्रेक के जगह पे उसने एक्सीलेटर के ऊपर पैर दिया, उससे ज्यादा बस स्पीड हो गई और वो कंट्रोल नहीं हो सका, इसलिए 30 से 35 लोगों को लगा है। उसमें से 3 डेड बॉडी है और 4 बहुत सीरियस है। बाकी लोगों को उपचार करने के लिए सेवन हिल हॉस्पिटल है, राजावाड़ी है, साइन हॉस्पिटल है, उसके बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ पे सिटी हॉस्पिटल है, इसका कोहिनूर हॉस्पिटल है, यहाँ पे कोशिश किया है और जो नियंत्रण लाने की कोशिश शुरू है। बस में भी लोग सवार थे क्या? बस के अंदर थे ना लोग? हाँ, उनका क्या हुआ? यानी वही सभी मिलके, अभी पूरा डिटेल मेरे पास नहीं है, जो जख्मी हुए हैं वो हॉस्पिटल में थे, उनको उपचार के लिए अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल रहेंगे, बीएमसी के हॉस्पिटल रहेंगे, वहाँ पे भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। 6 एम्बुलेंस लगाया है और लोगों को जिनके रिलेटिव है उनको कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर,
आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।